ये देखा आपने, बिट्टू का बच्चा। हाँ। मैगजीन पे फोटो छुपा रहा अपनी, छुरा भोंक दे। और नाम भी देखो ग्रेट, आधे घंटे में इसकी फोटो के आगे लेट ना लिख दे मेरा नाम बदल देना। पाजी आज मैं बिट्टू के साथ ज्यादा का बंटवारा करके रहूंगा। कई सालों से मुझे लटका रहा है लेकिन अब नहीं, क्योंकि लटक लटक के मेरे हाथ दर्द हो रहे तोरी की तरह। आपको लग रहा है मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा आएगा नहीं तो और क्या आएगा? पिछली बार मैं आया मेरे को बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा जायदाद वायदाद का बंटवारा कब करेगा, कहता ठीक है हो गया, जायदाद मेरी वायदाद तेरी, मैं निकल गया। वायदाद मेरे को साला बाहर जाके याद है कि वायदाद होती है। मेरे हाल में टुल्लू दे गया पागल का बच्चा। उसके बाद में वापिस आया, दरवाजा बंद कर लिया। जब भी आता दरवाजा बंद होता। आप सोच रहे होंगे कि दरवाजा बंद था तो मैं अंदर आया कैसे? आप जाना चाहते होंगे? हाँ, हर चीज जाना चाहते हैं। इतनी नॉलेज है, इंडियन पॉलिटिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्या करेंगे इतनी नॉलेज का? ज्यादा नॉलेज नहीं रखनी चाहिए पेट में, पेट खराब हो जाता है। अच्छा जोक सपाट, सीरियसली आप जाना चाहते हैं अंदर कैसे आया? ना पलटी। गुस्सा तो नाक पे रहता है, झट से गुस्सा हो जाता है। अरे बाबा सीरियसली पूछ लिया जाता, आप जाना चाहते हैं ना? देखा हटेंगे नहीं। इतनी नॉलेज फिर भी नहीं हटेंगे। कल तो हद कर दी उन्होंने, कल तो फोन करके रजनीकांत को तमिल में शेर सुना रहे थे। आपको तो पता है बाजी। हाँ। पानी हवा और सिट्टू को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं जायदाद के लिए अपने भाई से लड़ रहा हूं। हाँ। आप सही सोच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं लेगा कोई बिट्टू की मैगजीन, मेरे को तो चाहिए नहीं। वापिस कर दो, थप्पड़ मारो बाद में। मैं लड़ना नहीं चाहता बाजी, लेकिन जायदाद चीज ऐसी, हर जगह जायदाद के लिए झगड़े हो रहे हैं। अपने देश में देख लो, जायदाद के लिए बारिश चाहिए, जायदाद के लिए बारिश चाहिए। अरे बारिश तो आ जाएगा, जायदाद है किसके पास? सारी जायदाद तो नेता लोग अपने घरों में लगे बैठे हुए हैं। हाँ। तो कई लोग तो जायदाद कमाने में इतना बिजी अपना वारिस पैदा करने ही भूल गए। बट आई मस्ट टेल यू, आई लव लालू जी। रेल मंत्री बने, रेल को कितना अच्छा बना दिया, उसके बावजूद घर में अलग से रेल बनाई 10 डिब्बे वाली। आई लव हिम। हर किसी घर में झगड़ा होता है, किसी का भाई के साथ होता है, किसी का बहन के साथ होता है, किसी पति के पत्नी के साथ होता है, हर किसी का झगड़ा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ झगड़ा आर अवेलेबल इन मार्केट। तो कोई मेरा भाई यहाँ पे है जिसके घर में झगड़ा होता हो, किस तरीके का झगड़ा, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को खाली जानना है। कोई है इधर? जी छुरा देख के भी डरते नहीं, खड़े हो जाते हैं क्या? सर मेरा नाम गुलाब है। कौन सा गुलाब? सर मेरा अक्सर मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है जब भी मैं देश से जाता हूँ। तो आप उनको बताते क्यों नहीं कि आप उन्हीं की वजह से लेट जाते हैं? क्यों लेट जाते हैं? सर महंगाई का जमाना है, ओवरटाइम करते हैं। ओवरटाइम करते हैं तो 12 घंटे में इतनी कमाई नहीं की, लास्ट में 2 घंटे में क्या छाप लोगे हैं? अभी ये जो बोल रहे ना बीवी के बारे में, गुलाब जी घर जाना, तुम्हारी गुलकंद बनाएगी तुम्हारी बीवी। रहते कहाँ हैं आप? उल्लासनगर। उल्लासनगर रहते हो? रहो, मेरे को क्या, जाओ। और कोई मेरा भाई? ओके, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स यू आर, या टेल मी। हाय कपिल, दिस इज बिपाशा और शी इज माय सिस्टर। हाय, दिस इज जॉन। हाय कपिल, आई एम सलोनी। सलोनी। और अक्सर मेरी बहन के साथ मुझे हमेशा झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब मुझे जो चीज पसंद आती है ना, इसको भी वही भी पसंद आती है। क्या जैसे कि सेम ड्रेस है, मेरे वार्डरोब कलेक्शन को लेके झगड़ा करती रहती है। हाँ। और हर बात को लेके, जैसे कि आपके शो से भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हम दोनों को शॉपिंग करना पसंद है, और हम दोनों को एक ही लड़का पसंद है। एक ही लड़का पसंद है? ऐसे कैसे, कौन लड़का पसंद है? आप। हमारे शो में आके हमें ही छेड़ रही है, घर में बाप भाई नहीं क्या? एक बात बोलूं, दोनों आपस में सलाह कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करती है बिपाशा? हम दोनों स्टूडेंट है। पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, मेरे पे कम दिया करो।
हरा मत करो, खुश रहा करो, इतनी प्यारी, बैठ जाओ। और मेरा भाई कोई जिसको लगता है कि लड़ाइयां होती है घर में, जा या यू कैन टेल मी। अरे वाह, सूरजमुखी के फूल के साथ बैठा हुआ है। हाउ यू टीना? गुड। यू आर टीना? अर्पिता। जो भी है मैं तो प्यार से बोल रहा था टीना। क्या करती हो अर्पिता? स्टडीज। किस तरीके की स्टडीज, क्या करती मतलब? SIBCOM। वाओ, बैठ जाओ। आपका? हेलो सर, मेरा नाम हितेश है और मैं बदलापुर से आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूछा मैंने, कहा जिसका घर में झगड़ा होता है वो बताए। घर में झगड़ा होता है आपके? हाँ। किस बात को लेकर, किसके साथ होता है? मेरे बहन के साथ होता है। सिस्टर के साथ? सिस्टर के साथ। शर्म नहीं आती बहन के साथ लड़ते हो? किस बात पे लड़ते हो सर? जैसे कि अभी गर्ल्स और बॉयज के टी शर्ट कॉमन हो चुके हैं, तो जब मैं अपने फंक्शंस के लिए जब न्यू टी शर्ट लाता हूँ तो वो मेरे से पहले ही वो पहन लेती है। फिर क्या हुआ? अपनी बहन ने पहले, फिर क्या हुआ? पहले मुझे पहनना रहता है। पर ठीक है, वो तुम्हारी पहन लेती टी शर्ट, ठीक है, तुम उसकी स्कर्ट पहन के बाहर मत निकल जाना कहीं। और किस बात को लेकर झगड़ा होता है? तुम बदला ले लेना, जिस दिन शादी होगी ना डोली में तुम चले जाना। क्या करते हो सर? 12th कॉमर्स। कॉमर्स? यस। कॉमर्स में क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री? यस। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री? सारी इंग्लिश आज ही बोल के जाऊंगा। यस प्लीज टेल मी व्हाट इज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। टेल मी फास्ट सर। हमारा टेल मी फास्ट, आई हैव टू गो टू लू। टेल मी सर। लिटिल बिट बैड कंडीशन। बैड कंडीशन? यस। तो ये तो सबको पता है, इसके लिए पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत थी स्कूल में। शुक्रिया शो में आने के लिए। आई वॉज जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट माइंड, अगर कर भी लोगे तो। और मेरा कोई भाई बंधु जो कहता है कि झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, मैं सब झगड़े खत्म करना चाहता हूं, सर मैं झगड़ना चाहता हूं अपने भाई बिट्टू से। कोई और है मेरा भाई? जी क्या तेरा झगड़ा है? हाय कपिल सर। हाय नहीं करनी, कोई कपिल नहीं, सिट्टू है। सर मेरा नाम अभिनव है। हाँ तो मैं चेंबूर से आया। मैंने रखा अभिनव नाम, मेरे को क्या बता रहे? आपका क्या झगड़ा, किसके साथ क्या झगड़ा, क्यों झगड़ा करते हो, मार खानी है तुमने? इतने से हो तो ऐसे। सर नहीं सर, घर में कुछ झगड़े नहीं है, पर जैसे कि न्यूज़पेपर में और जैसे टीवी चैनल पे हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के झगड़ों के बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ बताया आपने रहते? चेंबूर में। रहते चेंबूर में, बातें पाकिस्तान की, बैठ जाते चुपचाप। कोई झगड़ा नहीं, दोनों देश साथ में, ऐसे तुम जैसे लोग बढ़ा देते, बैठ जाते, कोई झगड़ा नहीं। ये तुम्हारे जो खड्डे पड़ रहे हैं इनमें मिट्टी लगाओ। खैर, किसी का कोई भी मसला हो मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जाओ अपने मेरे मसले के साथ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी जायदाद लेके जाऊंगा। ए बिट्टू के बच्चे बाहर निकल, बाहर निकल बिट्टू। ए बिट्टू, तभी इस घर में चिल्ला रहा है। देवर जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे इस घर में रोज सत्संग होता है। अरे बाहर निकल के तो क्या हो रहा है दुनिया में, कितने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, और तू वही पुराने बड़े बड़े होटल लेके घूम रही है। हट। देवर जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा घर है, मैं आऊं या जाऊं तेरे को क्या, मुर्गी का मुंह वाली। क्या कहा? क्या कहा आपने, मुर्गी की मुंह वाली? मैं नहीं कह रहा हूं, तेरे बाप ने बिट्टू को कहा था, कहता मैं 6 अंडे लेके आया था, 5 का ऑमलेट बना लिया, 1 बचा, उसमें से ये निकली। Shut up! वो मेरे पापा ने मजाक में कहा होगा, वो ऐसे ही है। अच्छा, इतना बड़ा मजाक किया तेरा बाप, तो कॉमेडी नाइट्स में क्यों नहीं आया आज तक? छुट्टी कर देंगे। वाह, वो आएगा तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तेरा बाप है कि संडे। छुट्टी कर देगा तेरा बाप। और एक बात क्लियर है मिलोर्ड, अगर तुम्हारा बाप इतना बड़ा कॉमेडियन है तो बेटी की टाइमिंग इतनी खराब क्यों? उदित नारायण का बेटा चाहे साल में एक ही गाना गाता हो लेकिन गाता सुर में, तेरे से क्यों नहीं हो रहा ठुल्ली? इनफ देवर जी, आप सीधे सीधे बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? Oh my God, I'm forgetting everything. ये छोटा सा काम था तेरे हस्बैंड का, वो करना है मेरे को। क्या? क्या बाबा वो? झगड़ा? अरे नहीं बाबा, झगड़ा नहीं बाबा, जिसको करने से ब्लड निकलता है। क्या? अरे बाबा बवासीर नहीं, मर्डर, मर्डर। क्या? मर्डर? क्या? ए! क्या? मर्डर करेगा?
मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे। और इतना बड़ा मुंह खोल के मत बोल, क्या हॉलीवुड वाले ने सुन लिया ना तेरे को, एनाकोंडा में मेन लीड में ले लेंगे तेरे को। और आज मैं आया हूं तो जायदाद का बंटवारा करके जाऊंगा, घर में है कोई तो निकाल बाहर उसको, बाहर निकाल बिट्टू, देखो है कोई घर में। इतना शोर क्यों मचा रखा, ठीक से पत्ते भी नहीं खेलने देते। चिट्टू तूने हाथ में चाकू क्यों पकड़ रखा है? सलाद बनाने वाला हूँ। माय गॉड की कसम, मुझे सलाद बहुत पसंद है, वही खा खा के तो मैं आज तक 22 ईयर ओल्ड हूँ। ऐ सिट्टू कौन सा सलाद बना रहा है? सलादे रिश्तेदार। सलादे रिश्तेदार, हाँ ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं, ये कैसा होता है? बहुत टेस्टी होता है, दादी को गोल गोल काटूंगा तुझे लंबा लंबा। और ये जो धनिया के मुंह वाली ना, इसे छोटा छोटा काट के ऊपर डालूंगा, फिर देखना। देवर जी, आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं है, मैं सिर्फ मर्दों से डील करता हूँ। निकाल बाहर बिट्टू के बच्चे को, निकाल बिट्टू के बच्चे को बाहर निकाल। ओए तू जायदाद लेने आया कि इसकी डिलीवरी कराने आया? शर्मा जी, शर्मा क्या करते हैं, हमें पता तेरी शर्मा शादी गुप्ता से तो हुई नहीं जी। वो तो चली गई, अब तेरा क्या होगा सेकंड नंबर पे बुड्ढन। हाय तू मुझे मारेगा, हाय भूल मत कि मैंने तुझे जुआ खेलना सिखाया था, मैं तेरी गुरु गुरु। अच्छा गुरु, बड़ी तेरे मेरे को MBA कराया, जुआरी कहेंगी? मरने के लिए तैयार हो जा, जय शेर वाली माता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, शिव जी, भगवान, पार्थिव, महेश, राधे, श्याम, सीताराम, जय हनुमान। मरने के लिए तैयार हो जा। बिट्टू देख, अभी मेरी शादी नहीं हुई, बस मेरी शादी होने दे, उसके बाद चाहे 2 मिनट बाद मुझे मार देना। अच्छा, मेरे को बेवकूफ समझती है? 2 मिनट बाद मार देना, शादी होगी, ये कमरे में घुस जाएगी, 3-4 साल बाहर नहीं आएगी, मैं सब समझता हूँ। हाय रुबा। मेरे को येड़ा समझा गया? ए सुन इधरा, मैं तेरे को, इधरा, मैं तेरे को वैसे भी नहीं मानना चाहता, तो मेरे गैंग में शामिल हो जा, अगर मेरे को सारी जायदाद मिल गई तो मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ तेरी शादी करने की कोशिश करूंगा, बोल। कोशिश? हाँ। अरे जो चीज भगवान ना कर पाए इंसान तो कोशिश कर सकता ना। किसके गैंग में है, बिट्टू के गैंग में या सिट्टू के गैंग में? मैं सिट्टू के गैंग में हूँ। सिट्टू ये बता, घर के बाहर जब तू निकलता तो करता क्या है? ऐश करता हूँ, ऐश। हैं? हाँ, मेरे को देख के आदमी का एक नंबर निकल जाता है, तेरे को पता नहीं है? एक नंबर निकल जाता है? ओए तू गुंडा है कि पब्लिक टॉयलेट है? सिट्टू आ गया, 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 सिट्टू आ गया। ए सिट्टू, तू अंदर कैसे? मैं आ गई सिट्टू, मैं आ गई। तूने बाहर पड़ा नहीं है, भारी वाहनों का गुजरना मना है। सिट्टू मैं वाहन नहीं हूँ, मैं तेरे बचपन का प्यार पलक, देख तेरी याद में सूख गई हूँ एकदम। मेरे को तो लगता है इसको इसके माँ बाप ने भी गुस्से में पैदा किया होगा। ये है प्यार वाला बच्चा है ये? आपको पता है ऐसे बच्चे जब पैदा होते ना तो डॉक्टर जाके माँ बाप को नहीं कहते आपका बच्चा हुआ, बच्चे को जाके कहते मुबारक हो आपके जुड़वा माँ बाप हुए। हट। सुन, PQRSTUWBXYZ, चल हट यहाँ से। ए पलक, तू जा यहाँ से, यहाँ कोई जरूरी काम चल रहा है। अरे लेकिन मैं क्यों ऐसे ऐसे चले जाऊं बुआ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे बचपन का दोस्त आया है, मैं सबसे पहले अपने सिट्टू के साथ वो अपना गेम खेलना चाहती हूँ, वो बचपन वाला, वो था ना तुझे याद है हम खेला करते थे, इसमें लड़का लड़की को प्यार से एक हल्का सा यूं थप्पड़ मारता है, फिर लड़की लड़के को प्यार से एक हल्का सा ऐसे एक थप्पड़ मारती है, फिर दोनों जुदा हो जाते हैं। सिट्टू इसका काम निपटा और इसको चलती कर यहाँ से। अच्छा आ ना बाबा, खत्म कर खेल, चल तू शुरू कर। चल चल। नहीं नहीं नहीं, पहले तू। अच्छा बाबा, ओके। आहा आहा आहा, तेरी बारी, ओके। ये
तेरी तो बेइज्जती खराब हो गई सिट्टू। अगर लड़की ना होती दूर से छुरा फेंक के मारता, मेरा ही छुरा टेढ़ा होता, क्या जाता इसका। बिट्टू को बाहर निकाल, बिट्टू को बाहर निकालो। ओए बिट्टू को बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, तुझे नहीं कुछ मिलना। सारी जायदाद तो मम्मी के पास है, अगर मम्मी का अंगूठा लगवाएगा ना तभी सब कुछ मिलेगा तुझे। क्या बात कर रही है। हाँ इसका मतलब पूरा खजाना पुरानी हवेली के नीचे दबा हुआ है। दादी दादी बाहर निकल, दादी दादी दादी। क्या हुआ बुड्ढन तेरे को? मेरी छाती में हाय वाओ कुछ कुछ होता है। यस यस छाती में दर्द मतलब हार्ट अटैक, दो इसको पहले आ चुके हैं। मतलब ये तेरा फाइनल ईयर है, इसके बाद तू ग्रेजुएट। वाओ अरे नहीं क्या मेरी छाती में दर्द हो रहा है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे पक्का छाती में दर्द हो रहा है, ध्यान से देख, सेफ्टी पिन तो नहीं लगाया इधर? टेंशन नहीं लेने का। मैं आ गया, हम सब ठीक करूंगा। हेलो ए सुन, तेरी दादी को हार्ट अटैक आया, जल्दी से जल्दी आ जा, जो घोड़ा बैल गाय तोर को जो मिलता बैठ के आ जा। और सुन अगर तू जरा सा भी लेट हुआ तो याद रखना जूते पहनने के लायक नहीं रहेगा। अबे तेरे जूते नहीं छीनूंगा, तेरे पैर काट दूंगा, साले डायलॉग भी नहीं समझता है। जल्दी आ जल्दी दादी, टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाय मैं इसे कितना गलत समझती थी, लेकिन इसे तेरा कितना फिकर है। मैंने तेरे को पहले कहता था मैं बुरा नहीं, तू ही मानती थी। आ गया आ गया आ गया। वाओ केस लड़ जाऊंगा, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये क्या सिट्टू? क्या डॉक्टर के बजाय तूने वकील को बुलाया? ए बुड्ढन देख, जब इमारत गिरानी होती है ना तो बुलडोजर मंगाते, बनानी होती है तो सीमेंट मंगाते, समझ में आया ना? ये अभी जायदाद का काम तो वकील ही करेगा, डॉक्टर थोड़ी ना करेगा। ये तू पोता है कि खोता है? हाय कुछ कुछ होता है। अभी कुछ कुछ नहीं होएगा, बहुत कुछ होएगा। तू जल्दी जब मेरी जायदाद मेरे नाम कर देगी ना तब देख मैं क्या क्या करता हूँ। वकील अपना काम शुरू कर दे। भाई देखिए ऐसा है सुत्तू भाई, जल्दी नहीं कर सकते भाई। अरे कागज बनाने पड़ते हैं, दफ्तर जाना पड़ता है, और वैसे भी उस कागजातों पर इनका अंगूठा लगेगा। ए, तू जल्दी से जाके ऑफिस में कागज तैयार कर, मैं लेके आता हूँ, चल। ओ सिट्टू क्या है? तू इतना मतलब ही है कि मेरी मम्मी को इस हालत में लेकर जाएगा? अरे बाबा इनको जाने की जरूरत नहीं है, खाली अंगूठा चाहिए ना तेरे को, तो मैं अंगूठा लेके आता, चल निकल। तू मेरा अंगूठा ए, तो तेरे को अंगूठे से क्या प्रॉब्लम है? तेरे को कौन सा तीर कमान चलाना है अभी? अरे अरे भाई एक प्रॉब्लम है, उस पर एक जिंदा आदमी का अंगूठा लगेगा। जिंदा आदमी का? हाँ। तो जिंदा का ही काट रहा हूँ, मैंने कब बोला मरने के बाद? काटना दादी तेरा, ज्यादा कौन सा काम में आता है तेरा? नहीं मैं अपना अंगूठा नहीं काटूंगी। देखे देखे सट्टू भाई, सट्टू भाई क्या है? सट्टू भाई बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि आप जो कर रहे हैं वो इल्लीगल कर रहे हैं। आई नो। अरे कुछ नहीं, इनकी जो आखिरी ख्वाहिश है पूरी कर दीजिए और प्यार से जायदाद अपने नाम करवा लीजिए। केस लड़ जाऊंगा, दैट्स ऑल योर ऑनर। ओके ए बटन, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ है ना। मैंने कहा था ना बड़ी लालची औरत है ये तो फिल्म भी देखने जाती थी ना तो क्रेडिट खत्म होने से पहले उठती नहीं थी ये। तेरी दो शर्तें हैं। क्या है? पहली शर्त, तेरी बुआ की शादी देखना चाहती हूँ। मम्मी जी यू आर टू गुड। बुआ की शादी देखना चाहती है? हाँ। वकील साहब मैं कहता जिंदा का अंगूठा काटो, नहीं होने वाला ये सब। अरे करवा दीजिए ना, मैं हूँ, केस लड़ जाऊंगा, दैट्स ऑल योर ऑनर। ठीक है ए बुआ, जल्दी जल्दी उठी तेरा, जल्दी उठा तेरा, ए वकील के बच्चे तेरा, इधर चलो फेरे लो, चलो 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 फटाफट शुरू करो, फटाफट शुरू करो। फस गया मुर्गा। ओम पुरी ओम पुरी ओम पुरी। चलो 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 चलो, बस 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 बस, हो गई शादी, मुबारक हो मुबारक हो, हम बच्चे के पिता बन गए, जो भी बन गए बस। आप होगी हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज। चलो चलो बिट्टू, अभी तो ही फेले हुए।
हुए हैं। अरे तू टिकना होगा, दो में टिक जाएगी नहीं तो 1500 फेरे में भी नहीं टिकेगी। चलो दादी चल बता हो गया, अब बता अंगूठा लगा कागज पे। नहीं मेरी आखिरी शर्त बाकी है ना। दादी तू मरेगी मेरे हाथ से। क्या है आखिरी शर्त तेरी? और मेरी आखिरी शर्त है कि वो ऊपर वाला जो कब्र है ना मेरे बिट्टू को दे देना। अरे को दूर से छुरा मार। दे दो मैं हूं के सोल जाऊंगा। दे सोल जाओ अंदर। पक्का? दिया अभी बाकी है क्या? अगर बाई मिस्टेक मेरे बिट्टू को लड़का हो गया तो उसके बगल वाला कब्र उसे दे देना। ये मारूंगा मैं इसको। दे दो चल दिया दिया दिया। अभी भी बाकी है। अगर बेटी हो गई तो नीचे वाला कब्र उसे दे देना। ये दे दो दे दो दे दो दे दो मैं हूं ना के चल जाऊंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। दैट्स ऑल अभी भी बाकी है। अभी भी बाकी है। सब कुछ तो ले लिया बहन की दादी, और क्या लेगी तू? तो सही। और बता। अरे बच्चे होंगे तो उनके लिए खेलने का जगह भी तो होना चाहिए ना। आंगन चाहिए तो ये हॉल उन्हें दे देना। अरे दे दो दे दो दे दो मैं हूं ना कैसलर जाऊंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। साले काले कोट वाले ठुल्लू पहली बार आया, तेरे को क्या पता? सारा कुछ तो ले लिया, घर में बचा क्या? मैं सारी चलाकी समझता हूँ बुड्ढन तेरी। तू मरेगी मेरे हाथ से। दर्द बढ़ता जा रहा है, लगता है मेरे जाने का टाइम हो गया। जल्दी से कोई दवाई दे दो। नहीं तो सिट्टू सच्ची कह रही हूँ, अंगूठा मुंह में डाल के निकल लूंगी। कुछ नहीं मिलेगा। माता जी मैं पार्ट टाइम डॉक्टर भी हूँ। आप ये गोली खा लीजिए, आपका हार्ट अटैक एक मिनट में सही हो जाएगा। अच्छा? केस लड़ जाऊंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये क्या दे रहा है उसको? अरे कुछ नहीं, गैस की दवा है। गैस की दवा मन बहलाने के लिए। आप अपना काम शुरू कीजिए, केस लड़ जाऊंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। अच्छा मम्मी जी ठीक है। मर जल्दी, हार्ट अटैक आए। अबे गैस चढ़ गई है। अरे ये क्या हो रहा है? देखो देखो। वातावरण दूषित, गैस हुई थी। और मैं भी कितनी झल्ली हूँ, मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। Now everything is clear। और तू इधर आ, सिट्टू के बच्चे इधर आ। जायदाद लेने आया था उल्लू, मिल गया तुझे बाबा जी का ठुल्लू। तुम्हारी शुक्रिया। काहे का? वैसे ही। आपको पता है, आपके चक्कर में मुझे सीसीएल वालों ने होस्ट ले लिया आजकल। उनको लगा कि सिद्धू साहब के साथ रहता तो कमेंट्रीज को आगे होगी करनी। मेरी दुकान पर मेरे को पाजी क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। अभी पिछले दिनों दुबई में जब मैच हुआ ना, तो चारू शर्मा जो कमेंटेटर है वो पिच रिपोर्ट बोलते आपको देनी है। तो मैं यार व्हाट? अब मुझे कुछ भी नहीं पता पिच के बारे में। वो बता रहे काफी कुछ। पिच लाइक इट्स क्वाइट हार्ड ऑन You know, इसके लिए बॉल जो है, बॉल कांट टर्न आउट बिकॉज़ द पिच इज वेरी, इट्स वेरी गुड फॉर बैटिंग। तूने कह रहा था पिच बीवियों की तरह होती है, पता ही नहीं किधर मुड़ जाए। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीसीएल जो है ये है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें हमारे देश की तमाम फिल्म इंडस्ट्री जो है, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये सब आपस में मिलकर मैच खेलते हैं। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया बिकॉज आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो है सीसीएल के
भोजपुरी टीम के भोजपुरी दबंग। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तीन सुपरस्टार मिस्टर रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ का। रवि जी, मनोज जी, निरहुआ जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। कैसा लग रहा है आपको? एकदम मचा के रख देले बाड़ा तुम। का कहीं हो? मचा के रख देले बाड़ा। मतलब इनके नाम पे हम इतना कहीं कि आतंक मचा देले बाड़ा, पाताल से निकल के ऐसा भौचाल आ गल बा कि पूरा यूपी बिहार कपिल शर्मा, तो लोग बोले हाँ आजकल बहुत अच्छा जोकड़ा ही करता है। लेकिन भैया एक बात बताएं कि भाई जैसे हंसा वाला जैसे पगला देला लोगन के एकदम गर्दा फाड़ देला कि ऐसे लगला दिन में आदमी भांग पी के अभी नशा हो जाला। अरे जोरदार ताली से करा, जोरदार ताली से करा इका स्वागत सत्कार। ई देखा आ गईले यहाँ मनोरंजन की खातिर रवि, निरहुआ, मनोज तिवारी, तीनों सुपरस्टार बम्बो। भोजपुरी इतनी स्वीट लैंग्वेज है बाजी, जब बोलते कि लड़ भी रहे हो ना आपस में इतना प्यार लगता है कि जैसे प्यारी प्यारी बात है। का है टिकट देख मारे है तो प्यार प्यार झलकता है। रवि जी आपका एक गाना आया था ना कि एक नींबू दो चार मिर्ची लगाई ले चुटिया में, कहीं खजाना लुटना जाए कृष्ण की कुटिया का, क्या सिद्धू पाजी? इसका मतलब ये कि इतनी खूबसूरत हो तुम, इतनी हसीन हो तुम, इतनी ऐसी हो कि नजर न लगे तो दो नींबू लगा लो, दो मिर्ची टंगा लो और निकल लो। ये कितना अच्छा लगे ना, सोचो पाजी अपने देश की जितनी भी हीरोइन खूबसूरत लड़कियां सब नींबू मिर्ची लगा घूम रही है। दीपिका पादुकोण टाइप है ना, ऐसे नींबू मिर्ची लगा के ऐड कर रही है, मेरे सौंदर्य का राज। पीले पीले नींबू, हरी हरी मिर्ची। और निरहुआ के बारे में क्या कहें, ये ऐसे सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कि इनके नाम से ही बाजी सारी फिल्में आती हैं। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ टांगा वाला, अभी हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई निरहुआ मेल। तो आने वाले दिनों में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नई फिल्म आएगी निरहुआ जहाज वाला। तो ये आप अच्छा ये टाइटल जो होते हैं निरहुआ, ये कौन डिसाइड करता है ज्यादातर? बिकॉज हर फिल्म का नाम टाइटल जो होता है उसमें आपका नाम जरूर रहता है। ये प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। अच्छा, उनको ये पता है कि अगर हमने निरहुआ नाम उसमें जोड़ दिया तो जो इनके फैंस हैं वो पहले से ही है, अपना आने के लिए तैयार रहेंगे। अरे वाह, अच्छी बात है। तो ये जो फिल्मों में आपने एक रिक्शा वाला का किरदार काफी निभाया है जी, तो मतलब फिल्म में पैसे कम मिलते हैं जो रिक्शा चला के भी थोड़ा ऊपर। तो इसके पीछे क्या स्टोरी होती है कि मतलब हीरो जितना गरीब दिखाएंगे फिल्म में उतनी सिंपथी लड़की पटती है अभी भी? क्या है कि रिक्शा वाला से अक्सर जो लड़कियां बैठती हैं पीछे वो ये उम्मीद नहीं रखती हैं कि ये कभी ऐसा भी बोल सकता है कि आप किराए के बदले में एक चुम्मा दे दो। मतलब सारा दिन रिक्शा चलाओ, चुम्मिया ले ले, भूखे पेट सो जाओ, पैसा आए ना। कहा लिया भाई आए, आज तो रिक्शा चलाया सारा दिन, 20 पप्पियां ली, वैसा तो पैसा वैसा तो मिला नहीं। अच्छा, मैंने रिक्शा वाले की एक और चीज देखी बाजी, कभी रिक्शा में खूबसूरत लड़की जा रही हो ना और आप बाइक पे कभी कोई लड़का पीछा करे ना, लड़की इतना माइंड नहीं करती, रिक्शा वाले ज्यादा करते हैं, उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है पीछे बैठी है, ये क्यों आ रहा पीछे है ना। कभी आपने देखा अगर रिक्शा चला रहे तो कहा है वैसे तेज कर लेंगे, देखिए ना कि ये क्यों आ रहा पीछे। सर मुझे ना एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जब आपकी टीम, बिकॉज पाजी ये सीसीएल में दबंग भोजपुरी टीम है जो, अच्छा, इनका नाम है भोजपुरी दबंग, तो जब आप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उस समय कैसा माहौल रहता है? मतलब आप भूल जाते हैं आप एक्टर हैं या आपका वो मिश्रण रहता है बीच में एक्टर वाला भी और
मतलब कैसी बातें होती हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरा इंटेंसिटी वहाँ पे सब पूरा स्पोर्ट्स का ही माहौल, और बचपन में हम लोग सब लोग खेले रहते हैं लाइफ में, तो पूरी एनर्जी के साथ कि नहीं कम ऑन लेट्स प्ले। और कभी ये नहीं लगता कि हम एक्टर भी हैं? हाँ। उस समय लगता है कि बस क्रिकेट, और जैसे धोनी लीड कर सकता है वैसे लीड करेंगे जैसे। अरे यार चिंता किस बात की, जम के पेलो दंड, आज बहुत खुश होगा यूपी बिहार और झारखंड। ये बड़ी अच्छी बात है पाजी, बिकॉज क्रिकेट का बुखार तो लोगों के सर पे चढ़ के बोलता ही है, लेकिन जब फिल्म स्टार्स क्रिकेट में उतर जाएं तो मतलब एंटरटेनमेंट का मजा जो है वो और दुगना चुगना होके सामने आता है। अभी जैसे दुबई वाले मैच में मैं भी हिस्सा था, एक मुंबई टीम, हम लोग एक दिन पहले गए, पहले 5 ओवर में उनके 6 प्लेयर बाहर आ गए खेल वेल के। हाँ। तो सोहेल भाई की टीम थी, मैंने सोहेल भाई को बोला, मैंने कहा भाई 3 घंटे की फ्लाइट ली है, 3.5 घंटे की, 2 घंटे तो खेलो कम से कम, इतनी दूर से कुछ तो पैसा वसूल हो। अच्छा मुझे मनोज जी, तो आप मनोज जी तो इतना स्वीट बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये आउट भी होते होंगे तो इनकी कभी बहस नहीं होती होगी। अरे भैया कहाँ आउट हुए था जी, हो बिहार के लाला ऐसे कैसे पहली बॉल में तो नहीं होते। निरहुआ आप जब फील्डिंग करते हैं तो फील्डिंग खुद भाग भाग के करते हैं, उसके लिए भी रिक्शा रखा हुआ अंदर आपने? रिक्शा चला चला कि इतना मजबूत हो गया है ना पैर कि बॉल किसी के पास जाए मैं ही भागता हूं। अच्छा मैं सिद्धू सर से कुछ कहना चाहता हूं। जी जी, अभी सिद्धू सर ने कहा कि आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। हाँ, यूपी बिहार और पूरा झारखंड जैसा इन्होंने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप ऐसी दुआ दीजिए हम लोगों को कि भोजपुरी दबंग छा जाए और जीत सके पूरी दुनिया का दिल, जैसे छा गया है गुरु कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शो में आने से पहले हमारी आपस में डील हुई है, मैं इनकी तारीफ करूंगा ये मेरी करेंगे। खैर सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, आपके यहाँ पे बहुत चाहने वाले हैं जो आपसे ढेर सारी बातें भी करना चाहते हैं। आइए। सो आप सब लोगों के लिए मैं पहले चाय पानी का अरेंजमेंट कर लूं। राजू, राजू क्या साहब जी, आप भी चांस ना क्रिकेट की कमेंट्री में सुन रहे हैं। ओ हो हो, क्या बात है, का हाल बा रवि जी, तिवाड़ी जी, महुआ जी, अरे महुआ नहीं निरहुआ, निरहुआ जी, जी जी, का हाल बा, कैसन बा? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बैठा हूँ इधर, खड़े हो जाओ, मैंने बोला बैठने के लिए। देखिए साहब जी, काम के बंदे हैं, इनसे मैंने काम लेना है। सर प्लीज मुझे क्रिकेट में एक मौका दे दीजिए ना प्लीज। क्रिकेट में मौका नहीं, चौका आता, कभी तेरे को पता भी है क्रिकेट का होता क्या है? आपको पता है हमारी पूरी फैमिली ने देश को कितने क्रिकेटर दिए हैं? तुम्हारी फैमिली ने दिए होंगे ना, देश ने तो नहीं लिए ना। माजी इसमें देश की गलती, देश ने नहीं लिए, हमने तो सारी उम्र क्रिकेट में गुजार दी साहब जी। सारी उम्र तो गुजारो के सट्टे में पकड़ के सारा परिवार जेल में रहा, उसको क्रिकेट में गुजारना नहीं कहते। कुछ भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने कमेंटेटर बनना है बस। हैं? हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढीठपुर गांव से हैं। ढीठपुर गांव, ये हटते नहीं है। ये रवि भाई, ये ऐसे हटेंगे नहीं। तुझे कमेंटेटर बनना है? हाँ जी बिल्कुल। चल ठीक है, ये अभी ये मैच खेलें तो कमेंट्री करके दिखा, अगर तूने नहीं किया तो फिर आगे से जिद नहीं करना दोबारा। ठीक है ठीक है रवि भाई, एक सेकंड, आप चलिए, टीम मैच खेल रही है भोजपुरी दबंग, ठीक है, रवि भाई बैट्समैन है, मनोज भाई बॉलिंग करेंगे, निरहुआ आप फील्डिंग करें जरा। क्या कपिल भैया, आप भी मतलब फील्डिंग ही लगा रहे हैं, ये भी मुझे बॉलिंग बैटिंग नहीं देते, फील्डिंग में ही रहता हूं मैं, वहां भी मैं अंपायर। ये बैट तो यही लग जाता है, करची है बैट है। वो स्कोर बनाए कि आलू मटर बनाए, करची को दे दें। ये बॉल, तो ये बॉल करेंगे, ठीक है, अभी मैच शुरू होने वाला है, खड़ा हो कमेंटेटर। ये तो कमेंट्री बैठकर होती, कभी सिद्धू साहब को आपने खड़े होकर कमेंट्री करते देखा है? चल ठीक है, मैच शुरू होने वाला है और मैच का हाल बयान करो। हाँ। ये सही कह रहा भाई। तो मैदान सज चुका है, वाह, खिलाड़ी भी तैयार हैं, हाँ,
कम ऑन भैया। और बॉलर ने बॉल को कस के ऐसे पकड़ा है जैसे कभी जिंदगी में मिलेगी नहीं इनको बॉल। अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है। कमेंटेटर की तो बात सुन लो आप। तो बैट्समैन ने बैट को ऐसे पकड़ा है कि जैसे बैट को अभी माइक बना लेंगे और गाना गाएंगे लिपस्टिक और डिस्ट्रिक्ट। और फील्डर भी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आधा कप चाय के लिए तरस रहे हूं। अभी फालतू बकवास नहीं कर रही, अभी मैच शुरू होने वाला ठीक है। और अंपायर की भी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे नौकर के 50,000 उधार देने हो। कान पे मारनी है, बकवास ना कर, मैच की कमेंट्री शुरू कर, अपने पर्सनल रोने मत रो। हाँ जी चलिए, बॉलर ने बॉल अभी फेंकी है बड़े जोरदार से और ये बैट्समैन ने बैट घुमाया और ये फील्डर जब भी बॉल को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं और ये छक्का और आउट। ये क्या कमेंट्री हुई, उन्होंने कैच पकड़ा, ये छक्का और ये आउट, ये छक्का और आउट साथ में कैसे? साहब जी अब हमारे मेहमान है वो, उनको नाराज थोड़ी करना है, अगर वो आउट हो गए तो वो नाराज हो जाएंगे, इनसे कैच नहीं पकड़ा जाएगा तो ये नाराज हो जाएंगे, काम भी तो ले रहे हैं कि नहीं। तुझे वाकई मेहमानों को खुश करना है? बहुत ज्यादा खुश करना है मैंने इनको। जाके फिर चाय बना के ला, जा चाय पे लेके आ, आधा कप चला। एक हफ्ते का टाइम दो फिर। अबे चाय लेके आनी, बहू नहीं लेके आनी तूने, एक हफ्ते का टाइम दे। भैया सुनो, हम लोग बहुत दिन से ये शो देखते हैं, हर शो में चाय का केवल नाटक होता है, तुम गांव वाले हो, असली चाय पिला देना बस हम लोग की सफलता है। कहां से असली चाय मिलेगी सिद्धू भाई, इनको बताओ, बकरी लकड़ी की है और चाय असली मांगते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आई एम सो सॉरी भाई, आप प्लीज प्लीज बैठिए, ये थोड़ा ऐसे ही बदतमीज है, मुंह लगा क्या करें, तनख्वाह नहीं देते ना तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। पाजी भोजपुरी लैंग्वेज इतनी स्वीट है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्मों के जितने भी फेमस डायलॉग हो ना सब भोजपुरी में होने चाहिए। अरे वो एक एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक सुहागन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू का जनबे रमेश बाबा। एक चुटकी सिंदूर एगो सुहागिन के मूड़ी के ताज हो खेला। मजा आता ना सुनने, मेरा तो बस चले, मैं सारे गाने भी कर दूं। एक गाना है मनोज जी, तू मेरे अगल बगल है, इसको अगर भोजपुरी में गाना हो, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आपको वो लाइन भोजपुरी में कन्वर्ट कीजिए। गाना है तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल बगल है, तू हमरा अगल बगल बाड़ू। अगल बगल बाड़ू, बाड़ू, अच्छा बाड़ू, मुझे लगा आड़ू, अगल बगल बाड़ू। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, हम तो हरे अगल बगल बानी। इस बार बाड़ू किधर गया? बाड़ू, बाड़ू का मतलब कि बाड़ू हो, बानी मतलब हूँ। आगे वाली लाइन, खाली पीली टोकने का नहीं, झूठे साचे ऐसे हमके टोक ले के नाई, मेरे डॉगी को मुझ पे भोंकने का नहीं, तोरा कुकुर के हमरा पे भोकला के जरूरत नहीं खे। इस चीज में मजा आ रहा है, इसी को करते हैं। अच्छा एक तो फिल्मों के नाम लेता, हिंदी फिल्मों के नाम, अगर वो भोजपुरी में बने तो उनके नाम क्या होने चाहिए? क्रिश बलमुआ उड़नछू, बलमुआ उड़नछू, स्पाइडरमैन जालीदार बलमुआ, दार बलमुआ, गजनी, गजनी, गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, टकलुआ पगलाइलवा, टकलुआ पगलाइलवा, मेरा वाला बढ़िया था। और टाइटैनिक, नौका देहलस धोखा, नौका देहलस धोखा। थ्री इडियट, तीन गो बुड़बक। मिशन इम्पॉसिबल, ई ना हो सकेला। ओके, मिशन इम्पॉसिबल टू, अरे बाबू एक बार कहनी ना हो सके। मिशन इम्पॉसिबल थ्री, अरे पगला बाड़े का बोल देनी ये ना हो सके।
नमस्ते, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू. वो ये क्या बनके घूम रही तू? हाँ, मैं पान के कहाँ घूम रही हूँ? मैं तो तैयार होके आई हूँ. बनूंगी तो मैं तब ना जब ये मान जाएंगे. फिटे मुंह आपके. आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने शादी के लिए प्रपोज करने आई हूँ. नो, मैं इनसे नौकरी मांगने के लिए आई हूँ. यू नो, ओ नौकरी रहने दे. तूने रहुआ को बोल तेरे को रिक्शा दिलवा दे, रिक्शा चलाया कर. काम का काम, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी. सिद्धू जी आप ही बताइए. हाँ. कि ये 22-year-old हॉट सेक्सी ग्लैमरस और कामसिन लड़की रिक्शा चलाते हुए अच्छी लगेगी भला? ना 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 ना, बताइए. ये सही कहा बुआ तुमने. तू रिक्शा चलाती अच्छी नहीं लगेगी, तू ट्रक चला. तो बकवास मत कर बुआ. तुझे पता कितना मुश्किल काम है? हर चौके छक्के पे नाचना पड़ता है. ओए बिट्टू, लो जी मैं तो इक्के पे नाच लूं, ये तो चौके छक्के की बात कर रहा. आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से. आप इधर आइए, जरा इधर आइए. आपसे एक प्राइवेट बात पूछनी है. बता. पूछ लो. पूछे पूछे. पता क्या, अगर मैं वहां पे डांस करूंगी हाँ, चीयर लीडर बन के, और कस्टमर मेरे पे पैसे लुटाएंगे, तो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे कि 20% आपको भी देना पड़ेगा? कितना परसेंट वाला काम तो भैया बताएंगे. भैया बताएंगे. कैप्टन वही है तो वो बता पाएंगे. नहीं, कैप्टन पैसा थोड़ी गिनता है. आप आ जाइए, आप बता दीजिए. वैसे ना आप ये मत सोचिएगा कि मैं लालची हूँ. अब आप ही बताइए, जब प्लेग्राउंड में 2 दर्जन लड़के मेरे सामने खेल रहे होंगे तो पैसों की तरफ ध्यान ही किसका जाएगा? हुआ तुझे शर्म आनी चाहिए. पता है वो आदमी होके सलवार पहन के घूम रहे, तू औरत होके नहीं पहनी हुई. पिछले 50 एपिसोड से सलवार पहन रही हूँ, कोई काम तो बनता नहीं, क्या पता इससे ही बन जाए. रवि जी इधर आइए. रवि जी अब देखिए ना, आप लोग सीनियर हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ, एक तो मेरे में चीयर लीडर के सारे गुण हैं, तो थोड़े से पैसे में आप मुझे हीरोइन भी साइन कर सकते हैं. आपका तो काम बन जाएगा ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे. What do you think? अरे हमको क्या आगे करने महाराज. हीरोइन मतलब कौन हीरोइन? मैं है? और कौन? देखिए कितनी जाच रही हूँ आपके साथ. बढ़िया. वैसे हम लोग सोच के आए थे. क्या? हम सोचते हैं कि आप अपनी बुआ को लेके बहुत परेशान हो. जी जी. तो मेरे पास एक अच्छा रिश्ता था. क्या बात कर रहे हैं? I am ready. Are you ready, guys? Yeah. वो है 23 और हम 2 देवर हैं फ्री. नहीं नहीं, हम आपसे कहना चाहते हैं, रवि किशन से कर लो शादी, रहोगी हरदम अमीरी में. यस. मनोज तिवारी और निरहुआ दूगो देवर फ्री में. अब देखिए, अब मैं इतनी सुंदर हूँ, हॉट सेक्सी भी हूँ, तो मेरा और आपका एक डांस तो बनता ही है ना. बिल्कुल. वेरी गुड. 5-1-2. हुआ और अभी तुझा आप तू क्यों चेयर लीडर बनना चाहती है? अभी तेरे को मिल गया ना रामलीला में कुंभकर्ण का रोल. ओहो बिट्टू, तूने मुझे याद दिला दिया. मुझे तो ड्रेस का ट्रायल करना था कुंभकर्ण की. प्लीज डोंट माइंड, आई एम गोइंग. जाते जाते कुछ बोलना चाहता हूँ. जी. हाँ जी. कपिल बाबू जी, कौन है ये औरत? See you. हुआ एक मिनट, ऐसा नहीं है सारी बड़ी एज वाली आपके फैन है.
हमारी उम्र के भी आपके फैन है, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके लिए गाना लिख के लाया हूँ, आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगा। क्यों लिखा आपने गाना? बाकी राइटर ठीक नहीं सर, आपके लिए, आपके लिए। अच्छा यस सर, इतने फ्री हैं आप? यस सर, हम दोनों के लिए गाने लिख लाया। सुना सकता हूँ सर? हाँ जी, क्या करते हैं आप, गाने लिखते हैं? सर लिरिक्स राइटर हूँ सर। लिरिक्स राइटर? यस सर। क्या फिल्मों में लिखते हैं? यस सर, मेरी दो एल्बम आ चुकी है सर। अच्छा, अरे वाह, कौन कौन सी? सर एक हिंदी की भजन की आई है। अच्छा, मेरे काना झूला झूला। अच्छा, और एक सर शिव जी की आई थी। तो मतलब दोनों धार्मिक एल्बम आपकी? यस सर। तो ये रोमांटिक पहली बार लिखा आपने बुआ के लिए? यस सर जी। ओ कपिल कॉमेडी वाले मुझे कॉमेडी नाइट में बुला ले, ओ कपिल कॉमेडी वाले मुझे कॉमेडी नाइट में बुला ले, मुझे हंसना है जी भर के, सिद्धू पाजी से मिला दे, तेरी बुआ रहेगी ऐसे कब तक अकेली, सब छेड़ती होंगी इसे इसकी सहेली, मेरी बुआ से शादी करा के, मेरी बुआ से शादी करा के अपना फूफा बना ले, कॉमेडी वाले मुझे कॉमेडी नेट में बुला ले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तीनों से कुछ लेना देना, तेरा फूफा मैंने सिलेक्ट कर दिया। सर आप के अंदर एक इतना सादापन है कि भुआ ने एक ही बार डांस करने को आप मान भी गए, शायद आपकी इसी सादगी के लोग दीवाने हैं। और आपके कुछ दीवाने यहाँ पे भी मौजूद है जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये लोग एक एक करके आपसे बातें करेंगे। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? हेलो कपिल। हेलो जी, मेरा आज सवाल है मनोज जी से। मनोज जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म में अगर आप बॉलीवुड की कोई फिल्म हीरोइन को फिल्म साइन करेंगे तो किसको साइन करना पसंद करेंगे? पहले तो देखूंगा कि प्रोड्यूसर बजट देता है कि नहीं उसके लिए, और अगर उसने बजट दिया तो बिपाशा बसु को। मनोज जी, ऐसा बिपाशा है क्यों? एक्चुअली बिपाशा का हमारे क्षेत्र में बहुत क्रेज है, मैं सच बताऊं। क्षेत्र में क्रेज है कि आपके अंदर ही क्रेज है? पूरा क्षेत्र ही में क्षेत्र। दीपिका, कतरीना या प्रियंका वगैरह, उसमें से कोई और नहीं पसंद करेंगे आप? नहीं, फिर मल्लिका शेरावत। तो आप ये जो पूछ रहे हैं कि कतरीना या दीपिका, तो आपका इतना कहना मानते हैं आपके कहने पे आ जाएंगी? ऑप्शन तो ऐसे दे रहे हैं जैसे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो किसके साथ आप करना चाहेंगे? शुक्रिया सर, बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने, धन्यवाद। और कौन हमारे भाई? जी 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 मैम। हेलो कपिल जी, हेलो जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बड़े फैन है आपके। शुक्रिया शुक्रिया जी। हम ऑरलैंडो यूएसए से हैं। क्या बात कर रही हैं आप, इंटरनेशनल ऑडियंस? यस, इंटरनेशनल ऑडियंस। तो आप पूरा इंडियन शॉल वॉल लेके बैठे, मुझे लगा भोपाल से आई हैं। ऑरलैंडो यूएसए। जी मैम, क्या क्या नाम बताया आपने? तेजल। जी तेजल पटेल। तेजल पटेल जी। और मैं आज पूछना चाहती हूँ हमारे गेस्ट से जी कि वो यूपी बिहार से है जी, और वहाँ की एक डिश मैंने सुनी है, लिट्टी चोखा। तो जी, तो कोई बनाते हैं खाना घर पे या किसी को कोई मेरे को रेसिपी दे सकते हैं तो मैं घर जाके अपने फैमिली को खिला सकती हूँ? अरे हम लोग का एक गाना है जिसमें बनाने की रेसिपी है। हाँ, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए।
अभी तो बच्चों को खिलाना पड़ेगा लिट्टी चोखा। तो आप गागा के बनाएंगे वहाँ पे भी? पता नहीं, सीखना पड़ेगा। तो ये गाना काफी फेमस है, आप इसको देख लेंगे पूरी रेसिपी इसके अंदर। आप वैसे आप पूरी फैमिली के साथ आई मैम? नहीं, मेरी नीस के साथ आई हूँ। अच्छा, नीस के साथ? हाँ। अच्छा, भतीजी के साथ? मुझे लगा नीस के साथ तो सारे आते हैं। चलिए मैम, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। हेलो जी। आई लव यू। मेरा सवाल तीनों से है जी। आप तीनों भोजपुरी के इतने सुपरस्टार्स हो, हम सब आपको इतना पसंद करते, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप तीनों के बीच में कोई राइवलरी डेवलप हुई हो, कि किसी का रोल बहुत ज्यादा प्रेस किया गया हो और किसी का नहीं? कभी ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ देखने से नहीं लग रहा है। आपके बीच में तो अभी बहुत प्यार दिख रहा है। ये शो खत्म होने तक है बस प्यार। कुछ दिन पहले हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों लोग थे। अच्छा। फाइट मास्टर ने कहा कि रवि जी आएंगे और फाइट स्टार्ट करेंगे, पहला पंच इनको मारेंगे। तो बोले क्यों मारेंगे? ये क्यों मारेंगे? मैं क्यों नहीं मारूंगा पहले? फिर तो भैया बोले, मनोज मैं रवि किशन हूँ। बाबा रवि किशन। तो मनोज भैया बोले कि अरे तुम रवि किशन हो यार, और मैं इस फिल्म में DIG हूँ। अच्छा। तुम DIG को मारोगे? सुबह 9 बजे से 2 बज गया, फाइट स्टार्ट नहीं हो रही है। प्रोड्यूसर बेचारा सर पे हाथ रख के ऐसा बैठा है। मैं बोला एक काम करते हैं, ना आप इनको मारेंगे ना ये उनको मारेंगे, आप इनको मारिए और मैं बीच में आता हूँ, ये घुसा मैं ही खा लेता हूँ। नहीं बट कपिल भाई, प्यार इसमें क्या है कि प्यार भी बना है और एक दूसरे को जीवित भी रखते हैं। ये राइवलरी होनी चाहिए, एक हेल्दी राइवलरी। जी जी जी। ये बहुत अच्छा है कि यू नो देन ये भी बेटर करें अपने जीवन में, हम भी बेटर करें, भिड़े भी रहें, एक सम्मान की बातें हो। और क्या? और सब बढ़िया। शुक्रिया आयशा एक खूबसूरत सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद। की तारीफ। आपने मुझे नहीं पहचाना? आप एकदम से सामने से आ गए तो मैं पहचान नहीं पाया, सॉरी। ओ, उसमें आपकी गलती नहीं है। क्या है कि मुझे सामने से कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन पीछे से जरूर पहचान लेता है। मशहूर कोरियोग्राफर फरोज खान को नहीं पहचाना? सबसे पहले मैं उन तीन, ओ हो, तो आप लोग हैं वो भोजपुरी के सुपरस्टार, आप लोग ही हैं ना? जी। एक मिनट, मैं कुछ जानना चाहूंगी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी प्लीज। जी बिल्कुल, जगह है तो बैठो। नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी फिल्मों में कोरियोग्राफर नहीं होते? हाँ। नहीं, लेकिन अगर आपकी फिल्मों में कोरियोग्राफर होते हैं तो मैंने आपकी फिल्म का एक गाना देखा, एक मिनट बताइएगा कौन सा, कोई हाई वोल्टेज और करंट मारेली? करंट मारेली। हाँ, तो करंट मारेली में मैंने आपका स्टेप देखा, आप उस गाने में करंट में आपको ऐसे करंट लग रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है। नहीं, आपका बाकी का शरीर क्या लकड़ी का है? वो मेरी पहली फिल्म थी और मेरा तब तक इतना ही हिलता था। आप यहाँ पर करंट कैसे लग सकता है? बाकी के शरीर में फैलाइए, करंट को लाइए। कैसे कैसे? कैसे? नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी। मान लीजिए कि आप करंट हैं और आप मुझे लगेंगे। देखिए। ये करंट लगा के लकवा मार गया। ये क्या मतलब स्टेप हुआ? इसमें करंट के साथ साथ डांस का स्टेप भी हो गया। हुआ ना? चलो कोई नहीं, अब मैं आपको एक गाना बजाते हैं जी। आप जरा
आप ओके हैं? हाँ मैं। तो एक गाना बजाते हैं, उस पर आप लोग जरा डांस करके दिखाएंगे, मैं देखती हूँ कि आप लोग का कैसा मतलब डांसिंग सही बैठती है या नहीं। तो एक गाना हो जाए? हो जाए। आप जब हम लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, आप लिपस्टिक तो लगा ही नहीं रहे। तू लगाए जब लिपस्टिक? ये वाला स्टेप होना चाहिए। लिपस्टिक लगा रहे कि होंठ सिल रही थी आप? और जैसे बाहर लगाऊंगी तो निकल आएगा ना फेस पे। ओके अच्छा, तो आपको लगाना ऐसे ही है धीरे धीरे, लिप्स लिप्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, फिर हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट उन्होंने गाने में यूज किया डिस्ट्रिक्ट, आप पूरा देश हिला रही हैं। फिर आया जिला टॉप लागे लू। अब डिस्ट्रिक्ट जिला सेम हो गया, तो अब अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला भी है, उसे टॉप पर ले जाइए। जिला टॉप लागे लू, कमरिया ढक ढक, कमरिया ढक ढक। आगे क्या? कमरिया करेला पाला लॉली पॉप लागे। इसमें जरूरी है कि लॉली पॉप को दिखाया जाए। अब एक पूरा शुरुआत से करके दिखाएंगे लिपस्टिक के साथ। चलिए गाना लगा दीजिए। आप लोगों को सिखा सकती थी मैंने सिखा दिया, और नाच के आपको एंटरटेन भी कर दिया। अब आप लोगों की बारी है जी। अब आपको जरा कोई आप में से कोई मुझे एक गाना गाकर सुनाइए जिसे मैं नाच सकूं, मुझे भी तो मौका दीजिए। ओहो यस यस, मनोज बाबू गाएंगे। अरे जिया तू हजार साल, सुपरस्टार के लिए और हमारे शो के सुपरस्टार किकू भाई के लिए। रवि जी, मनोज जी, निरहुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। आज प्रॉपर लगा है कॉमेडी नाइट्स में भोजपुरी का पूरा तड़का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू रवि भाई, एक बार जोरदार तालियां। इसी तरह आप भी अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचिए गाइए और अपनी उम्र बढ़ाइए, और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.